के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड सुपरस्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आने वाली फिल्मों के बारे में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड में अपना नाम कमाया है। ऐसे में साल 2019 में इनकी काफ़ी फिल्में आने वाली हैं, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नंबर वन, सबसे पहले बात करें इनकी फिल्म रात अकेली है की, तो ये फिल्म 2 फरवरी 2019 को रिलीज होगी। इनकी ये फिल्म क्राइम पर बनी ड्रामा स्टोरी होगी, जिसका निर्देशन हनी त्रेहन कर रहे हैं। इस फिल्म में इनके साथ राधिका आप्टे मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। नंबर टू, बात करें इनकी दूसरी फिल्म फोबिया 2 के बारे, तो ये फिल्म एक बॉलीवुड साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा फिल्म होगी। ये फिल्म 1 फरवरी 2019 को रिलीज होगी। ये फिल्म फोबिया का सिक्वेल होगी। फोबिया में राधिका आप्टे मुख्य भूमिका में नजर आई थी। इस फिल्म का निर्देशन पवन कृपलानी करेंगे। नंबर थ्री, बात करें इनकी तीसरी फिल्म ठाकरे के बारे में, तो ये एक बायोपिक फिल्म होगी जो भारतीय राजनेता बाल ठाकरे के जीवन पर बनी होगी। इस फिल्म का निर्देशन अभिजीत फांसे कर रहे हैं। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ अमरता राव मुख्य भूमिका में नजर आएंगी और इस फिल्म को हिंदी और मराठी भाषा में रिलीज किया जाएगा। ये फिल्म 25 जनवरी 2019 को रिलीज होगी। नंबर फोर, बात करें इनकी चौथी फिल्म धूमकेतु की, तो ये फिल्म कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी। इस फिल्म का निर्देशन पुष्पेंद्र मिश्रा कर रहे हैं और ये फिल्म 16 मार्च 2019 को रिलीज होगी। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ रागनी खत्री, होमा कुरैशी और रिचा चड्ढा मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। नंबर फाइव, बात करें इनकी पांचवी फिल्म मोतीचूर चकनाचूर की, तो ये फिल्म बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी। इस फिल्म का निर्देशन देव मित्रा हसन कर रहे हैं। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ आशिया शेट्टी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी और ये फिल्म मुख्य तौर पर शादी और रिश्ते के ताने बाने पर बनी हुई फिल्म होगी। ये फिल्म 5 अप्रैल 2019 को रिलीज होगी। तो ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वो फिल्में थी जो 2019 में रिलीज होंगी। आपको इनके बारे में क्या कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और घंटे के आइकन को दबाकर सबसे पहले नोटिफिकेशन पाएं।